सो एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन में हम लोगों को कोई मिक्सचर गिवन था 3:5 की फॉर्म, 3:5 में, और उसमें से 8 लीटर हम लोगों ने मिक्सचर में से निकाल लिया था, और उसके बाद 8 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स वाज एडेड। तो इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं, लेट इनिशियली लिक्विड एक्स एंड वाई, लिक्विड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हैव क्वांटिटी, इनकी जो क्वांटिटी है वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 3k, 5k। बेटा जी क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी जो रेशो दी हुई थी 3:5 दी हुई है, दैट इज व्हाई वी हैव कंसिडर्ड देयर क्वांटिटी एज 3k एंड 5k। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स लेफ्ट इन द मिक्सचर, लेफ्ट इन द मिक्सचर, मिक्सचर में जब हम लोगों ने 8 लीटर बाहर निकाल लिया तो क्वांटिटी कितनी रह जाएगी उसमें, 3k - 3/8 times of 8। अब ये 3/8 times क्यों हो जाएगा, 3k was total quantity of the liquid x in the mixture, और जो ये 3/8 है क्योंकि रेशो हम लोगों को 3:5 केवल थी, तो इसमें से x की क्वांटिटी की रेशो क्या हो जाएगी, 3/3 + 5। जब भी हम लोगों ने क्वांटिटी निकालनी होती है तो न्यूमरेटर में हम लोग उसकी जिसकी क्वांटिटी निकालनी होती है वो लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल क्वांटिटी लिखते होते हैं। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 3 + 5 = 8। नाउ दिस विल बी कैंसिल्ड आउट विद दिस और हमारे पास रह जाएगा 3k - 3। ये है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स लेफ्ट इन द मिक्सचर। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वाई लेफ्ट इन द मिक्सचर। अब वाई की क्वांटिटी कितनी लेफ्ट हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 5k - 5/8 × 8। बेटा जी क्योंकि वाई की जो रेशियो थी दैट वाज 5, 3:5 थी, तो यहां पे 5 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में वही 3 + 5 लिखेंगे, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 5k - 5। ये जो है हमारे पास ओरिजिनली इनकी क्वांटिटी 3k और 5k थी, और जब इसमें से x लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल लिया तो x की क्वांटिटी कितनी रह गई और जो है y उसकी क्वांटिटी कितनी रह गई। अब इसके बाद हमको ये कहा गया था कि इसमें 8 लीटर ऑफ लिक्विड x वाज एडेड, तो अब हम यहां पे लिखते हैं, नाउ इफ 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज एडेड, 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज एडेड। अब इस मिक्सचर में अगर 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज एडेड तो अब क्या हो जाएगी, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास पहले थी 3k - 3, अब इसमें 8 लीटर ये ऐड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3k + 5। ये हो जाएगी हमारे पास लिक्विड x की क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y रिमेन्स द सेम, क्या हो जाएगी, दैट इज 5k - 5। लिक्विड y की क्वांटिटी सेम क्यों रह जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे 8 लीटर जो है वो लिक्विड x का ऐड किया गया था, इसलिए x की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन y की क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब की बात कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द न्यू मिक्सचर इज 7:10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7/10 विल बिकम इक्वल्स टू 3k + 5/5k - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 35k - 35 = 30k + 50, और यहां से जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 17। अब k की वैल्यू 17 आ गई तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड x एंड लिक्विड y ओरिजिनली या इनिशियली इन द मिक्सचर, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ x या क्वांटिटी ऑफ कैपिटल x इज इक्वल्स टू 3k व्हिच इज इक्वल्स टू 3 × 17 इज इक्वल्स टू 51 लीटर, एंड क्वांटिटी ऑफ y दैट वाज 5k इज इक्वल्स टू 5 × 17 दिस इज 85 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो ये क्वांटिटी ओरिजिनली
x की क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 51 लीटर और y की क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 85 लीटर। नाइंथ क्वेश्चन, टू वेसल्स P एंड Q कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 एंड 13:3। मतलब क्या कि P वेसल में मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो 5:3 है और Q वेसल में जो मिल्क और वाटर की रेशियो 13:3 है। इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम टू वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। अब बेटा जी एक बार याद रखिएगा, ये वैसे तो हमारे पास इसके जैसी एक एग्जाम्पल गिवन है लेकिन उस एग्जाम्पल में काफी लेंथी किया हुआ है। आई एम गोइंग टू गिव यू द शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास क्या है कि वेसल पी में रेशियो गिवन है और वेसल क्यू की रेशियो गिवन है और उसके बाद जो ये फाइनल रेशियो गिवन है 3:1 ये मिक्सचर की रेशियो गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों रेशियो से पहले हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग मिक्सचर की क्वांटिटी भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोगों को जो निकालने को कहा है कि दोनों वेसल्स में से किस रेशियो में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है जी। सो इसको इस तरह से शॉर्टकट मेथड हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं बेटा जी, मिल्क इज टू वाटर ये रेशियो हम लोग को गिवन है 5:3 गिवन है मुझे वेसल पी में और उसके बाद 13:3 गिवन है मुझे वेसल क्यू में और नेक्स्ट जो रेशियो है 3:1 ये मुझे कहा गया है कि मिक्सचर की रेशियो है, कैपिटल एम की रेशियो 3:1 है। तो यहां से हम लोग क्वांटिटी पहले निकाल देते हैं। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, इट विल बी 5/8 कैसे हो जाएगा 5/5+3 और इधर कितनी हो जाएगी 13/16 मींस टू से दोनों रेशियो को ऐड कर देना है और मिक्सचर में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3:4। तो अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज चीप क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वांटिटी ऑफ डियरर डिवाइड और मिक्सचर की रेशियो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और उसके बाद हेयर चीपर चीपर की क्वांटिटी हम लोग लिख लेते हैं या मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन पी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन पी पी में हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे बेटा जी 5/8 एंड सिमिलरली इस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगी 13/16। एक साइड पे हम लोगों ने चीपर लिखना है, एक साइड पे हम लोगों ने डियरर लिखना है और उसके बाद लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई सो इट विल बी बी माइनस एम एंड दिस विल बी एम माइनस सी। तो रेशियो बेटा जी क्या हो जाएगी इट एम्प्लाइज एक्स ओवर वाई, हम लोगों ने एक्स ओवर वाई फाइंड आउट करना है दैट इज डी माइनस एम ओवर एम माइनस सी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 13/16 माइनस ये मिक्सचर की रेशियो हमारे पास क्या थी 3/4 या क्वांटिटी 3/4 थी 13/16 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 5/8। बेटा जी चेक कीजिए दिस वाज डियरर क्वांटिटी एंड दिस वाज चीपर क्वांटिटी सी यहां पे वैल्यू गिवन है और जब इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम आ जाता है 16 ये आ जाएगा 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 8 सो इट विल बी 6 माइनस 5। चेक कीजिए यहां पे 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 16 ओवर 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 8 सो इट विल बिकम 1/16 डिवाइडेड बाय 1/8 और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रेशियो आ जाती है दैट इज 1:2 क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 2 आ जाएगा सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:2। तो इसके बाद हम लोग आंसर में लिख सकते हैं देयर फोर मिल्क एंड वाटर विच इज टू बी एडेड टू प्रिपेयर मिक्सचर विल बी 1:2। मतलब क्या है कि पी में से हम लोग 1 क्वांटिटी लेंगे और क्यू में से हम लोग 2 क्वांटिटी लेंगे सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बिकम इन द रेशियो 3:1। ठीक है जी। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 7:13। दोबारा लिखते हैं यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर ये रेशियो हम लोगों को गिवन है बेटा जी 3:2 पहली वेसल में और दूसरी वेसल में गिवन है 7:13 और यहाँ पे मिक्सचर की रेशियो बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इसको कैपिटल एम लिख लेते हैं।
दिस इज वेसल ए, दिस इज वेसल बी एंड दिस कैपिटल एम इज द रेशियो ऑफ द मिक्सचर। तो अब इसके बाद हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी 3/5 और यहाँ पे 7/20 और इसको हम लोग एम ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है जी, 3/5, 7/20 एंड एम। और हम लोगों को जो गिवन है इन दिस क्वेश्चन नंबर 10th, दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो अब बेटा ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिक्सचर इस साइड पे हम लोग 3/5 ले लेते हैं, इस साइड पे 7/20 ले लेते हैं। मैंने पहले भी बताया बेटा, हम लोगों को नहीं पता कि 3/5 ग्रेटर है या 7/20 ग्रेटर है, जो भी कंसिडर कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो में हमारे पास प्लस या माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, अल्टीमेटली आंसर रिमेंस द सेम। तो अब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, इट इंप्लाइज 2/3 विल बी इक्वल्स टू दिस वाज रेशियो 2/3, यहाँ पे जो x माइनस x ओवर y था, d माइनस m और m माइनस c, तो d माइनस m 7/20 माइनस m डिवाइडेड बाय m माइनस 3/5। अगर ये तो चीज बड़ी भी होगी ना, यहाँ माइनस का साइन कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन कॉमन निकल जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 2/3 इज इक्वल्स टू 7-20 एम ओवर 20 ओवर 5m-3/5। ठीक है, और इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं हमारे पास कितना आ जाता है, दैट इज 5 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 4। So this will become 2/3 is equals to 7-20m divided by, ये जो 4 बचा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20m-12 हो जाएगा, 20m-12। और बेटा जी जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9/20, द वैल्यू ऑफ m कम्स आउट टू बी 9/20। और एक बात याद रखिएगा बेटा जी, ये हमारे पास क्वांटिटी आई है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, याद रखिए ये सारी रेशियो जो है वो क्वांटिटी ऑफ मिल्क के अकॉर्डिंगली है, लेकिन आंसर हम लोगों को चाहिए रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर। तो ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क आई है 9/20, इट इंप्लाइज मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा बेटा जी, 9/9 + x = 9/20। अब ये 9/9 + x कहां से आया, ये 9 वाज मिल्क और नीचे मिल्क प्लस वाटर चाहिए था, दैट इज वाई 9 + x लिख दिया। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेटा रेशियो क्या आ जाती है, दैट इज 9/11। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, द रेशियो कम्स आउट टू बी 9/11। ठीक है जी, इन 11th क्वेश्चन, अ मिल्कमैन हैज टू कैंस, फर्स्ट कंटेनिंग 75% ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर। बेटा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को रेशियो गिवन थी, अब की बार परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज से हम लोग रेशियो कन्वर्ट कर लेंगे, 75% मिल्क है तो वाटर कितना है 25%, तो रेशियो क्या आ जाएगी 75:25। सेकेंड कैन कंटेन 50% ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर, मीन्स टू से 50% मिल्क है 50% वाटर है, रेशियो विल बिकम 1:1। हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कैन सो एज टू गेट 20 liters ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का 20 liter होना चाहिए दोनों कैन में से कितना कितना मिक्स करेगा, सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर नाउ बिकम 5:3। 5:3 मीन्स टू से बेटा हमारे पास ये मिक्सचर की रेशियो गिवन है और मिल्क और वाटर दोनों कैन में से किस रेशो में मिक्स करना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फिर से वही, मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू वाटर, ये रेशो है 75:25 फ्रॉम कैन ए और दूसरे में 50:50 फ्रॉम कैन बी, और मिक्सचर की रेशो हमको 5:3 गिवन है, मिक्सचर की रेशो 5:3 गिवन है। तो क्वांटिटी हमारा यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 3:1 है, दिस इज 1:1 एंड दिस इज 5:3, ये चीज तीन चीजें हम लोगों को गिवन है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्वांटिटी दैट इज 3/4
एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज 5/8। बेटा जी डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन आती है 3/4, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 5/8। और उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को 3/4 और ये मिक्सचर की रेशियो है 5/8 एंड दिस इज 1/2 और यहां पे हमारे पास x एंड हियर वी हैव टू गेट y। So it implies x over y will be equals to 1/2 minus 5/8 divided by 5/8 minus 3/4. 1/2 minus 5/8 divided by 3/4 minus 5/8. ठीक है? So इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास 4 minus 5 minus 1/8 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों के पास 5 minus 6 over ये अगेन ये भी माइनस 1/8 आ जाएगा। और बेटा चेक कीजिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई डोंट नो कि कौन सी बड़ी रेशियो है 1/2 माइनस 5/8 5/8 माइनस 3/4 यहां पे माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों रेशियो सेम है हमारे पास आंसर आता है 1/1। अब बेटा जी रेशियो हमारे पास आ गई है 1:1 ठीक है जी मींस टू से 1:1 का मतलब होता है कि हाफ हाफ मिक्स करना है 20 लीटर ऑफ मिक्सचर बनाना है therefore quantity of milk in the mixture में quantity of milk कितनी हो जाएगी that will be equals to 1/2 multiply by 20। 1/2 कहां से आएगा बेटा जी यहां से 1 over दोनों को ऐड कर देना 1/2 और ये 20 कहां से आया क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर चाहिए उसमें मिल्क कितना होएगा और वाटर कितना होएगा तो इसको सॉल्व करते हैं दैट इज 10 लीटर्स एंड दे ऐड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड दैट विल बी अगेन इक्वल्स टू 1/2 * 20 दैट इज 10 लीटर। चाहे इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए या इसको इस तरह से कर लेते हैं कि अगर मिल्क की क्वांटिटी 10 लीटर आ गई है तो टोटल क्वांटिटी 20 में से हम लोग मिल्क की क्वांटिटी 10 लीटर माइनस कर देंगे एंड वी गेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटा नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट 13 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन डिल्यूशंस एन नंबर ऑफ डिल्यूशंस के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन 13th। Now the statement of this question 13th is a container contains 40 liter of milk. Quantity of milk original quantity of milk इसको बेटा जी हम लोग dilution के हिसाब से x consider करते हैं and that will be equals to 40 liters. और इसके बाद इसने कहा था from this container 4 liter of milk was taken out. Milk taken out वो हो जाएगा y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 लीटर। ठीक है मिल्क टेकन आउट इक्वल्स टू 4 लीटर एंड रिप्लेस बाय वाटर दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड टू मोर टाइम पता जी रिपीटेड टू मोर टाइम्स तो n हमारे पास कितना हो जाएगा 3 किस तरह से हो जाएगा दो बार हमारे पास रिपीटिशन है और एक बार ऑलरेडी हो चुका है दो रिपीटिशन और एक ऑलरेडी हमारे पास 4 लीटर हम लोगों ने निकाल लिया है। How much milk is now left in the container? Therefore, milk left in container. Container में हमारे पास कितना मिल्क रह गया है? And that will be given by the formula x into 1 minus y over x raised to power n. X की वैल्यू पुट करते हैं, that is 40 into 1 minus 4 over 40 raised to power 3. ये कैंसल आउट हो गया 1/10 और जब इसको सॉल्व करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय बेटा 1 माइनस 1/10 हमारे पास आता है 9/10 रेज्ड पावर 3 दिस इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10 एंड मल्टीप्लाई बाय 9/10 ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास तो हमारे पास आंसर क्या बचता है 9 9 81 81 9 729 सो 4 मल्टीप्लाई बाय 729 divided by 100 वैसे 4 और 10 कैंसिल आउट होता है बट आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल डायरेक्टली हम लोग इसका डेसिमल का साइन लगा लेंगे सो 729 मल्टीप्लाई बाय 4 इट विल बी 2800 2916 डिवाइडेड बाय 100 700 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 2800 और 29 को फिर मल्टीप्लाई कर लिया 116 ऐड कर लेते हैं सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 29.2
16 लीटर। मतलब क्या है कि मिक्सचर में जब पहली बार 4 लीटर निकालना था और उसमें वाटर ऐड कर दिया 4 लीटर, तो उसके बाद दोबारा से मिक्सचर में 4 लीटर बाहर निकाला, वाटर ऐड कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी रह जाती है, 29.16 लीटर रह जाती है। ठीक है बेटा, नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। बेटा 14th क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है। हियर इट इज रिटन दैट फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क 8 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट। इसमें से अब की बार 8 लीटर टेकन आउट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी क्या थी, इसको x कंसीडर करते हैं एंड दैट वाज इक्वल्स टू 50 लीटर्स। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन आउट, और इसको बेटा जी हम लोग कंसीडर करते हैं y व्हिच इज इक्वल्स टू 8 लीटर्स। y हमारे पास आ गया है तो इसको हम लोग 8 लीटर्स कंसीडर कर लेंगे and then this process is repeated two more time and will be equals to 3। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम लोगों ने प्रोसेस 3 इसलिए हम लोगों ने कंसीडर करना है, एक बार ये प्रोसेस हो चुका है और उसके बाद हमको ये कहा गया कि दो बार और इसका प्रोसेस हुआ है, so n will be equals to 3, therefore quantity of milk left in the container will be given by x into 1 minus y over x raised power n. x की वैल्यू हमारे पास है 50, 1 minus 8 upon 50 raised to power 3. 1 minus 8 upon 50 raised to power 3. 2 के टेबल पे 20 कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस विल बी 4, 25, 50 into 1 minus 4 over 25 raised to power 3. और सॉल्व करेंगे तो ये 50 इंटू 21 रेस्ट बार 21 ओवर 25 रेस्ट बार 3 रह जाएगा हमारे पास। सो सॉल्व करते हैं 50 इंटू 21 ओवर 25 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, 21 इंटू 21 441 इंटू 21 फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे इट विल बिकम मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 18,522 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 25 आंसर कम्स आउट टू बी 625 मीटर्स। सो 18,522 डिवाइडेड बाय 625 और सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आंसर आता है 29.63 लीटर्स। बेटा जी चेक कीजिए 18,522 डिवाइडेड बाय 625 कितना आंसर आता है हमारे पास। इन द 15th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वाज ड्रॉन आउट। बेटा जी फुल ऑफ अल्कोहल है लेकिन अल्कोहल की क्वांटिटी हम लोगों को नहीं बताई हुई है। लेट अस कंसीडर क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल विल बी इक्वल्स टू x। 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वाज ड्रॉन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम मतलब n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। लेट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल विल बी इक्वल्स टू x लीटर्स। ठीक है जी, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ड्रॉन ये इसको हम लोग y कंसीडर करते हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू 6 लीटर क्योंकि 6 लीटर उसने कहा है कि ड्रॉ कर लिया गया है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, n की वैल्यू हमारे पास है 2। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9:16। अब रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज टू वाटर। बेटा अब अगर अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं x इंटू 1 माइनस 6 ओवर x रेस्ट पर n लगा दूंगा ना तो बेटा ये मेरे पास मिक्सचर होएगा। ये मेरे पास क्या है, मिक्सचर लेफ्ट या क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट होएगा हमारे पास, ओनली क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर मैं 9:16 निकालता हूँ, ये अल्कोहल है, ये मेरे पास वाटर है,
अब इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखना पड़ेगा सो दैट इसके इक्वल हो जाए, लेकिन अगर मैं x लिखूंगा तो यहाँ 16 नहीं लिखूंगा। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि n is equals to 2, तो इसके बाद हम लोग ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore quantity of alcohol left in the mixture, quantity of alcohol left in the mixture will be equals to x into 1 minus 6 over x raised power 2 हो जाएगा। तो लेकिन अब हम लोगों को जो रेशियो गिवन है वो दैट इज रेशियो गिवन है 9:16 इज अल्कोहल इज टू वाटर की। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं क्या कर देता हूं यहां पे, अब बेटा जी देखिए यहां पे एक चीज हम लोग लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट आफ्टर डिल्यूशन इज x into 1 minus 6 over x raised power 2 divided by x। ये थी अल्कोहल लेफ्ट की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 ओवर 16 प्लस 9 ओवर 16 प्लस 9, बेटा 16 प्लस 9 इज 25 क्योंकि ये टोटल है हमारे पास और ये हमारे पास यहां पे भी टोटल हो जाएगी, ठीक है। सो वी विल लेस्ट एज अल्कोहल इज टू वाटर रेशियो जो 9 ओवर 16 थी बेटा दैट वाज रेशियो ऑफ अल्कोहल ओवर वाटर, एल्कोहल और वाटर की रेशियो हम लोगों को गिवन थी 9 ओवर 16, लेकिन ये क्या है एल्कोहल ओवर मिक्सचर, तो ये 9 ओवर मिक्सचर की रेशियो कंसिडर करेंगे। सो x और x दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 6 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये 9 ओवर 25 बचता है, 16 प्लस 9 इज 9 ओवर 25, सो वी विल राइट डाउन हियर एज 3 ओवर 5 का होल स्क्वायर। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इट एम्प्लाई 1 माइनस 6 ओवर x विल बी इक्वल्स टू 3 ओवर 5। वैसे जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि रेशियो है तो माइनस का साइन नहीं आएगा, सो वी विल राइट डाउन हियर एज 1 माइनस 6 ओवर x इज इक्वल्स टू 3 बाय 5 इट एम्प्लाई 1 माइनस 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू 6 बाय x दैट इज 2 बाय 5 इज इक्वल्स टू 6 बाय x। और जब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 15 लीटर, और x हम लोगों ने क्या कहा कंसीडर किया था क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एट स्टार्टिंग, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बिफोर डाइल्यूशन वाज 15 लीटर, ठीक है बेटा।